नमस्कार दोस्तों, सांकला कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा ठेकेदारी बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों ठेकेदारी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए उस चीज़ का, तभी आप उसको कर पाओगे। अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले किसी बड़े ठेकेदार के अंडर काम सीखना होगा, ठीक है। 1 या 2 साल आप उसके साथ वर्क करने के बाद आप काम सीख जाओगे, उसके बाद आपको काम मिलेगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति आपको कैसे जानेगा, तब आपको काम आता हो, ठीक है। आपको अच्छे से काम करना आएगा तो निश्चित तौर पर आपको काम मिलेगा। अब आपने काम एक्सपीरियंस ले लिया काम का, उसके बाद आपको जो भी आपके परिचित हैं, रिश्तेदार हैं या फिर कोई दोस्त हैं तो वो जानता है आपको, उसको घर का काम आएगा तो आपको घर का काम मिलेगा। तो आप जब काम शुरू करोगे तो आपको धीरे धीरे अनुभव होता रहेगा और धीरे धीरे आपकी साइट बढ़ती रहेगी, आपको साइडें मिलती रहेगी। तो एक ठेकेदार का काम क्या होता है ये जान लीजिए पहले, कि आपको एक निश्चित समय में, यानी कि 1 6 महीने साल भर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आपको पूरा घर तैयार करके देना है। मान लो 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो किसी व्यक्ति ने आपको ठेका दे दिया कि उस घर को पूरा कंप्लीट करना है, तो उस घर को कंप्लीट करने में आपको 6 महीने का टाइम दिया और 6 महीने के अंदर अंदर आपका जो भी एग्रीमेंट हुआ वो आपको पूरा करके देना है। ये होता है ठेकेदार का काम। तो आपको ये एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मिलेगा। अब 2 प्रकार के ठेकेदार होते हैं, एक तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर और एक विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर। तो आप शुरुआत में आपको जैसा भी काम मिले, अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है कि आपको लेबर आपकी खुद की रहेगी और मटेरियल मकान मालिक का रहेगा। तो आपको अगर विथ लेबर का भी काम मिल रहा है, विथ मेटल का काम नहीं मिल रहा है, तो आपको विथ लेबर काम ले लेना चाहिए। अगर आप विथ लेबर काम लोगे तो आपकी लेबर रहेगी, मटेरियल मकान मालिक का रहेगा, ठीक है। तो मकान मालिक क्या करेगा, आपको मटेरियल ला के देगा और आपको आपकी लेबर रखनी है, लेबर की व्यवस्था आपको खुद करनी है और आपको मकान का काम शुरू करना है। तो आपको शुरू फाउंडेशन से लगा के, जमीन से लगा के अपना छत भराई तक या फिर फिनिशिंग लेवल तक आपको काम करवाता आना चाहिए, ठीक है, लेबर से, तभी आप एक अच्छे ठेकेदार माना जाओगे। और निश्चित समय में आपको किस समय में कितना वर्क करना चाहिए इसकी आपको पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी। और उस मकान को 6 महीने के अंतराल में, आपको जितने दिन का एग्रीमेंट मिला है उस एग्रीमेंट के अंतराल में आपको काम पूरा करके देना है। अब मकान मालिक क्या करेगा, आपको पैसे देते रहेगा स्टेज वाइज, ठीक है। जितना आपने उसका काम करके दिया उतने आपको पैसे देगा और उसी हिसाब से आपको लेबर को भी पैसे देना है और खुद के भी पैसे बचाना है। तो इस प्रकार तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गया। और विथ मटेरियल में क्या रहेगा, मकान मालिक, प्लिंथ लेवल हो गया, स्लेब लेवल हो गया और फिनिशिंग लेवल हो गया, इन 3 4 स्टेजों में आपको पैसे देगा विथ मटेरियल में। तो आपको शुरुआत में पैसा लगाना पड़ेगा, प्लिंथ लेवल तक आपको पैसा लगाना पड़ेगा और प्लिंथ लेवल के बाद आपको मकान मालिक पैसे देगा। तो आप विथ मटेरियल करने जाओ, विथ मटेरियल का मतलब ये होता है कि आपका खुद मटेरियल आप खरीदोगे और मकान को बनाओगे, इसको बोलते हैं अपन विथ मटेरियल। तो आपने अगर विथ मटेरियल में साइड ले रखी है तो आपको पूरा मटेरियल आपको ही बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से लाना है, और जो भी सीमेंट आपको, सीमेंट वगैरह है या फिर रेती गिट्टी है, इन सारी चीज़ों का आपको पूरा ध्यान रखना है और कौन सी सीमेंट लगानी है, कौन सा सरिया लगाना है, इसका एग्रीमेंट में पूरा लिखा जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैंने आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर और विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकारी दे दी है। अब इसके अलावा आपको काम कैसे मिलेगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको अनुभव के हिसाब से काम मिलेगा। अब आपका किसी भी रिश्तेदार या किसी का भी काम आए तो आपको उसको लेना है, पहले एक्सपीरियंस लेना है, किसी के अंडर में काम करना है 1 या 2 साल, उसके बाद आपको अनुभव होने के बाद आप खुद 1 या 2 साइड आपकी जब चलने लगेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक जब आप वो घर बना के कंप्लीट कर दोगे तो लोग देखेंगे, अगर आपने अच्छी क्वालिटी का काम करा तो निश्चित तौर पे आपको नया काम मिलेगा। तो आपको क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको बेहतरीन बेहतर क्वालिटी देनी है घर बनाने में, और उसकी सुंदरता उसके अच्छी दिखनी चाहिए, तभी आपको आगे कोई नया काम मिलेगा। कोई भी जब कॉलोनी कटती है तो उसमें काम शुरू होता है, आपने वहाँ पर एक घर बनाया, अब कोई भी दूसरा व्यक्ति वहाँ पे प्लॉट लेगा, वो देखने आएगा कि हाँ यहाँ पर घर बन रहा है, तो निश्चित तौर पे आपको से वो संपर्क करेगा और आपको वो नई साइड मिल जाएगी। आपके घर बनाते वक्त आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी, आपका अगर अच्छा काम दिख रहा है तो निश्चित तौर पर आपको नया काम जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार आप ठेकेदारी में कर
कदम रख सकते हो, और 1000 स्क्वायर फीट की साइड है तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मार्केट में विथ मटेरियल रेट क्या चल रहा है। अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल में देखा जाए तो 1350-1400 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से विथ मटेरियल में रेट चल रहा है, तो आपको बिल्डिंग मटेरियल का क्या रेट चल रहा है उस हिसाब से, और मार्केट में विथ मटेरियल का रेट क्या चल रहा है उस हिसाब से आपको मकान मालिक से एग्रीमेंट करना है। आप कम में ना लें नहीं तो आप घाटे में चले जाएंगे। अगर अभी देखा जाए तो बिल्डिंग मटेरियल का रेट बढ़ गया है तो आपको 1300-1350 में बच जाएंगे पैसे, लेकिन आपने अगर 1100-1200 रुपये में लिया तो आपको पैसे नहीं बचेंगे और ऊपर से आप घाटे में चले जाएंगे। और लेबर में भी ध्यान रखें, लेबर रेट भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो आप लेबर में भी रखें, अगर आपको लेबर में कोई काम लेना है तो उसका भी ध्यान रखें। अभी 200-250 के बीच में लेबर रेट चल रहा है, आपको पूरा काम करके देना है तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा मेन चीज़ होती है एक्सपीरियंस और आपके काम की सुंदरता, उसके थ्रू आपको ठेकेदारी शुरू कर सकते हो और 1000 स्क्वायर फीट पे आप 1 से 1 लाख के आसपास बचा सकते हो, ठीक है, विथ मटेरियल में। और लेबर में देखा जाए तो 40 से 50 हज़ार रुपये आप बचा सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।